हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का यह वीडियो क्लास थ्री के बच्चों के लिए मैथ से है। इसमें जो है आज हम लोग एक्सरसाइज 2C को पढ़ेंगे। इसके पहले मैं कल एक्सरसाइज 2B में ऐड के बारे में बताया था। आज जो है इन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2C से। इसमें क्या है, यहाँ पर दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब यहाँ जो खाली स्थान दिए गए हैं आप लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं, उनको क्या करना है, भरना है। कैसे भरेंगे हम लोग? यहाँ बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 5634 लिखा हुआ है, इसके बाद प्लस में 2342 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह हो गया, इक्वल का चिन्ह हो गया, और 2342, इसके बाद प्लस के बाद इस ब्लैंक्स में भरना है। इसमें क्या भराएगा, तो ये हमारा दोनों पार्ट जो है सेम हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह हो गया, तो इक्वल टू के पहले वाले पार्ट और बाद वाला जो भाग पार्ट है ये दोनों सेम हो जाना चाहिए। तो कैसे सेम होगा, तो देखते हैं कि यहाँ पर ये अंक जो है 2342 यहाँ पर है, इसमें भरना है, तो इसको इक्वल करने के लिए दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो अंक है 5634 इसको इसमें भर देना होगा। देखते हैं यहाँ पर हम लोग कैसे, यहाँ पर उसी तरह से ये देखिए 2342 यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, और इस ब्लैंक्स में क्या भरना है, तो ये 5634 को इस ब्लैंक्स में भर देने से हमारा ये दोनों पार्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और इस दोनों को हम लोग ऐड करके इसमें लिख देंगे। कैसे, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो बच्चों क्या होगा, 6 होगा, ये 4 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखते हैं हम लोग 3 और 6 9 हो गया, 2 और 5 मिल करके 7 हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में हम लोग देखते हैं कि 5214 3274, और यहाँ पर देखते हैं कि केवल 5214 लिखा हुआ है, तो ये वाला जो है ब्लैंक्स छोड़ दिया गया है, इसको खाली छोड़ दिया गया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं कि ये जो 5000 वाला है यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको छोड़ दिया गया है, तो यदि हम इसको यहाँ पर भर देंगे तो ये हमारा ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए इस ब्लैंक्स में क्या भरेंगे हम लोग, 3274 भरेंगे, और इस दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि 448 718, यहाँ पर 2 और 2 4, यहाँ पर 3 और 5 8। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर सी में देखते हैं 195, और यहाँ पर दो ब्लैंक्स दिए गए हैं, दो ब्लैंक्स हैं इसमें, तो यहाँ देखना है कि 625 111 195, इसमें तीन जो है अंक लिखे हुए हैं, तो इसमें तीनों को जोड़ना है। तो ये देखिए कि इसमें दो जो है जगह खाली है, एक ही लिखा हुआ है, तो जब इसमें एक लिखा हुआ है 195, तो ये 195 को छोड़ देंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, इसमें भर देंगे, मतलब 111 और 625 को हम लोग क्या करेंगे, इसमें भर देंगे। इससे हमारा दोनों पार्ट सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और इन तीनों को जोड़ देने से हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं ऐड जो है ये बनाना है, आप लोग देख रहे होंगे, और उसके बाद पूछ रहा है कि इज द सम इन द बोथ द केसेज इक्वल, क्या इन दोनों का जोड़ जो है, ये दोनों का जोड़ जो है इक्वल है या नहीं है, यही जानना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड करेंगे, देखते हैं ऐड करके, यहाँ देखते हैं तो ये 0 और 4 4 हो गया, 4 और 3 मिलकर के 7 हो गया, 3 और 5 8 हो गया। इस तरह से यहाँ देखते हैं इसको जोड़ के, तो ये जो है 4, ये 3 और 4 7, ये 5 3 8। इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों जो है 874 ही आया, दोनों का रिजल्ट क्या आया, 874 आया। तो अब हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, इन बोथ द केसेज
द एंसर इज द सेम, मतलब दोनों केस में क्या है, हमारा आंसर जो है सेम है, बराबर है। यही इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इज द सम इन द बोथ द केसेज इक्वल, तो इसका आंसर हो गया यस, द सम इन द बोथ द केसेज आर इक्वल। तो इस तरह से आप लोग इसमें का बी जो है अपने से बनाएंगे, और बाकी जो है इसमें का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन का, इसको भी बनाएंगे, और इस तरह से इसका एच डब्ल्यू जो है, आज का एच डब्ल्यू में आप लोग नोट कर लीजिए, एच डब्ल्यू में एक्सरसाइज वन, एक्सरसाइज टू सी का पहला का क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला का डी और ई, और दूसरा का बनाना है बी। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से सॉल्व करेंगे, बाकी मैंने बना दिया। धन्यवाद।